आज का नया टॉपिक है आवेशी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये आपका एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें डेरिवेशन कोई बहुत हार्ड नहीं है, आसान है। जैसे मान लीजिएगा, आप पता है कि ये आपने एक चालक लिया, ठीक है। इस चालक को आपने क्यू आवेश देना है, यानी इसको आवेशित करना है। जब भी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसे हमेशा आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है। अब जरा ये बताइए, जब इसमें आपने आवेश दिया, पहले थोड़ा सा आया प्लस, फिर अगला फिर थोड़ा सा बढ़ा प्लस, फिर अगला थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि प्लस आवेश दे रहे हैं तो प्लस ही आएगा ना। अब जरा ये बताओ, जब यहाँ प्लस दे रहे हैं और प्लस आवेश यहाँ बढ़ता रहा है, तो प्लस आवेश और प्लस आवेश के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यस, अगर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बताइए हमको बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पड़ेगी, तभी आवेश इस पर क्या होगा, आएगा। तो जो बाह्य बल द्वारा हम कार्य करेंगे, वही कार्य इस चालक में चारों ओर इस ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। यानी आवेशी चालक को, यानी चालक को आवेशित करने के लिए बाह्य बल के द्वारा जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, वही कार्य चालक के चारों ओर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? अब इसमें लिख लो, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो आवेश को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके, आवेश को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके चालक को दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप चालक तथा आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगता है और आवेश देने के लिए बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ता है, बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ता है। यही कार्य चालक के चारों ओर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही कार्य चालक के चारों ओर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है।
हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। ये तो हमने अभी बता दिया कि चालक को आवेश देना है और आवेश देंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, और जब आवेश इसमें दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, आवेश तो आवेश जब इसमें क्या होता है, आवेश दिया जाता है तो इस पे प्लस चार्ज बढ़ेगा, और प्लस चार्ज हम दे रहे हैं तो प्लस और प्लस के मध्य क्या कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और जब प्लस और प्लस के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो आवेश हमें इसमें देना है, क्योंकि आवेशित करना है तो हमें बाह्य बल के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, यानी बाह्य बल लगाएंगे। और जब बाह्य बल के द्वारा लगाएंगे तो उस पर वर्क होगा, और जो वर्क होगा वही इसके चारों ओर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। अब इसमें मान लीजिएगा हमें क्या, प्रारंभ में इसकी धारिता क्या है, सी है। इस मान लीजिएगा इसकी धारिता क्या है, सी है, और प्रारंभ में इसका विभव क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आवेश इस पर क्या है, कुछ नहीं है भाई, आवेश हम इस पर दिए नहीं तो विभव कहां से होगा, नहीं होगा। और जब जैसे इसको आवेश हमने दिया तो विभव धीरे धीरे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और आवेश देने पर मान लीजिएगा अंत में विभव क्या हो जाता है, वी हो जाता है, अंत में विभव क्या हो गया, वी। यानी प्रारंभ में जो विभव हो गया वी वन, प्रारंभ में विभव जीरो है, और जब वी वन दिया तो क्या हुआ, वी हो गया कुछ देर के बाद, यानी कुछ देर के बाद जब आवेश आपने दिया तो उस समय विभव क्या हो जाएगा, वी। तो अब यहाँ औसत विभव निकालने, हम क्या निकालेंगे, औसत विभव। जब औसत विभव वी डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, वी वन प्लस वी टू बटे दो आएगा औसत। तो वी डैश बराबर क्या होगा भाई, जीरो प्लस वी बाई टू, तो वी डैश का मान कितना आएगा, वी बाई टू आएगा या नहीं, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताइए। औसत जब भी निकाला जाता है तो औसत का डब्ल्यू बराबर होता क्यू इंटू वी डैश होगा, कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर Q इंटू वी डैश, ठीक है, यही कार्य होगा। अब बताइएगा यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। बताइए जब संचित हो जाती है तो अब बताइएगा यही U बराबर क्या होगा, W के होगा या नहीं, U बराबर क्या होगा, W के। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो U बराबर W का मान क्या है, Q V डैश है, W बराबर Q तो रहेगा, V का मान क्या दिया, V बाई टू, तो W बराबर क्या मिलेगा, हाफ Q इंटू V, यही हमारा क्या जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। नहीं लिख सकते हम, क्या चीज, जो ये विभव लिखे हाँ सी लिख सकते हैं ना सी। अब इसी फार्मूला को हम कई रूपों में लिख सकते हैं, हमने आपको पढ़ाया था चूंकि Q बराबर CV पढ़े हैं, Q बराबर CV पढ़ा गया है, तो Q को हटाएं CV उठा के रख दें जी, तो U बराबर क्या मिलेगा, हाफ यहाँ पे Q के स्थान पे क्या लिखेंगे, सी वी इंटू वी, तो कितना आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर आएगा। एक फार्मूला आपको ये स्थिति ऊर्जा का मिल गया, ठीक भाई, चूंकि Q बराबर सी वी होता है तो U बराबर हाफ लगाएंगे, Q के स्थान पे क्या रखा, सी वी इंटू सी है, और वी वी सॉरी वी है, वी वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, तो U बराबर क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। अरे यार हाफ यहाँ क्यों, यहाँ बटे दो है, तो ये बटे दो कहाँ चला जाएगा, अगर बटे दो है तो यहाँ बटे दो रहेगा नहीं। अब इसके बाद चूंकि अब यहां से हम और रिप्लेस करना चाहते हैं, हम वी को वी के पदों में लिखना चाहते हैं, तो वी बराबर क्या होता, क्यू बाई सी, यहीं से वी का मान निकालोगे तो क्यू बाई सी आएगा, तो अब वी को हटाओ तो U बराबर क्या, वन बाई टू सी तो रहेगा, V हटाएंगे Q बाई सी रखेंगे स्क्वायर,
तो यू बराबर 1 बाई टू सी क्यू स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल, तो यू बराबर क्या आएगा 1 बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी। एक फार्मूला आपको क्या मिलेगा, ये एक फार्मूला आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। ये रहा आपका डेरिवेशन। तो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। देखिए इसमें चार चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। दो आवेशों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद पुनर्वितरण होगा आवेशों का, उसके बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो पहले मान लीजिएगा एक चालक ये है, एक चालक ये है, कोई दिक्कत? ये चालक ए है और ये चालक बी है भाई, इसका आवेश कुछ ना कुछ होगा, तो उस आवेश को हमने क्या माना Q1, और इसका आवेश हमने क्या माना Q2। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद इसकी धारिता क्या होगी C1, और इसकी धारिता क्या होगी, इसका विभव क्या होगा V1, और इसका विभव क्या होगा V2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे Q1 निकालेंगे तो Q1 क्या आएगा बताइए, C1 V1 आएगा, और यहाँ पे अगर Q2 निकालेंगे तो क्या आएगा, C2 V2 आएगा, C2 V2 आएगा कि नहीं बताइए, किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें हेडिंग में क्या कहे, दो आवेशित चालकों को, ये आवेशित चालक है भैया, इन्हीं दोनों को क्या करना हमें जोड़ देना है। तो अब जरा जोड़िए ही, ये है और ये, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे किसे, किसी चालक के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, कोई तार लगाएंगे, तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। आज जब तार जोड़ेंगे तो भैया कुछ ना कुछ इसमें क्रिया होगी भाई, किसी की आवेश का में किसी का आवेश क्या है ज्यादा है, किसी का विभव कम है किसी का विभव ज्यादा है, किसी की धारिता कम किसी की धारिता ज्यादा है, लेकिन इसमें शब्द एक क्लियर होगा, विभव जब तक दोनों का समान ना हो जाए तब तक आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। आप बताइएगा, मैंने कहा जब इनमें आवेश दोनों का क्या हो जाए, विभव इसमें दोनों का क्या होगा बराबर, विभव क्या हो जाएगा आवेश इसमें से इसमें तब तक जाएगा, या इसमें से इसमें जाएगा, या इसमें से इसमें जाएगा। लेकिन अगर ध्यान रखो, धन आवेशों का अगर ऐसे जा रहा है तो ऋण आवेश आपका कैसे आएगा ऐसे, अगर पॉजिटिव आवेश आपका इस दिशा में जा रहा है तो धन आवेश आपका किस दिशा में आएगा, इस दिशा में। लेकिन ये कब इस दिशा में जाएगा इसकी भी कोई कंडीशन होगी भाई, जिसका विभव क्या होगा कम होगा। सपोज दैट यहां मान लेते हैं कि V1 इज ग्रेट इज लेस देन, या V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 का विभव क्या है अधिक है और V2 का विभव क्या है कम है, V2 का विभव क्या है कम है, तो जो आवेश का पुनर्वितरण होगा वो किधर की ओर जाएगा, कम वाले की ओर जाएगा। पानी किधर बहता है, कम की ओर, नीचे की ओर जाएगा जिधर कम होगा, तो विभव भी उधर ही जाएगा जिधर क्या होगा कम होगा। जब अगर V1 अधिक है V2 क्या है कम है, यहाँ पे V1 आपका अधिक है V2 आपका क्या हो गया कम हो गया, तो विभव का ट्रांसफर कैसे होगा आवेश का, इस दिशा में जाएगा। और जब आवेश इसमें से जाएगा तो इसमें प्लस आवेश आएगा, सॉरी इसमें प्लस जाएगा तो इसमें क्या आएगा माइनस जाएगा, यानी प्लस आवेश का जो स्थानांतरण है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद क्या करना है भाई, इसका आवेश क्या होगा, अब क्यों ना Q1 ना हुआ, अब Q1 तो होगा नहीं भाई, जब आवेश इधर गया ट्रांसफर हुआ तो कम तो हुआ या ज्यादा हुआ भाई, प्लस इधर जा रहा है तो माइनस की अधिकता हो रही, यानी प्लस माइनस से डिफरेंस आ रहा, तो कुल मिला के यहाँ Q1 हो जाएगा भाई, आवेश बदल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। लेकिन
आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता, मतलब अब इस क्रिया के दौरान जितना आवेश इसका उतना आवेश इसका, ये आवेश नष्ट नहीं होगा। पहले के आवेशों का योगफल जितना होगा वही बाद के आवेशों का योगफल होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और ये इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। इसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। कुल धारिता अगर निकालना चाहें हम यहीं पे, क्या निकालना चाहें? कुल धारिता, तो धारिता क्या होगा? C1 प्लस C2 होगा भाई। धारिता जो होगी क्या होगी? इन दोनों के योगफल के क्या होगा? बराबर ही होगा। योगफल के क्या होगा? बराबर ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इतने समझने में? ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? पहले पढ़ना उभयनिष्ठ विभव। क्या पढ़ना है? उभयनिष्ठ विभव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उभयनिष्ठ विभव पढ़ना है। तो उभयनिष्ठ विभव जब पढ़ोगे तो उभयनिष्ठ विभव v बराबर क्या निकालोगे? अब यहां पे v निकालोगे, जो v यहां वही v यहां है। v बराबर क्या होता है बताइए? v बराबर क्या होता है भाई? v यहां से निकालो ना, q/c होगा कि नहीं? क्या होगा? q/c होगा। लेकिन q आवेश है, तो उभयनिष्ठ विभव क्या है? ये उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? कुल आवेश होना चाहिए। कितना होगा कुल आवेश? कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता होगा। तो कुल आवेश क्या है? कुल आवेश क्या होगा? Q1 डैश Q2 डैश। कुल धारिता क्या है? C1 प्लस C2 है ना। अब Q1 डैश Q2 डैश को हम Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं, बोलो। तो क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस, चूंकि Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर क्या होता है? Q1 प्लस Q2। अब इस Q1 को क्या लिख सकते हैं? C1V1 दिया है, क्या लिख सकते हैं? C1V1 प्लस C2V2 बटे क्या हो जाएगा? C1 प्लस, यही हमारा क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। क्या C1V1? अब मैं जो बोल रहा हूं पहले उसे लिख लो, तब इसे लिखना। हेडिंग पड़ी है, हेडिंग के बाद लिखो। माना माना दो विलगित चालकों, माना दो विलगित चालकों, माना दो विलगित चालकों ए तथा बी की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। C1 व C2 हैं, धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं, एवं आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं, आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं, एवं विभव V1 व V2 हैं। पैराग्राफ चेंज करके दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर
दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर धन आवेश का स्थानांतरण धन आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर 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 तब तक होता है जब तक कि विभव जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए विभव समान ना हो जाए ठीक है। अब इसके बाद जितना बोर्ड में लिखा है इसे आराम से लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। पुनर्वितरण के पश्चात आवेश की मात्रा पुनर्वितरण के आवेश पश्चात के बाद कितना आवेश है Q1 है पहले चालक में Q1 है तो Q1 डैश बराबर क्या लिखेंगे बताइए। आवेश Q बराबर क्या होता है CV होता है तो इसके लिए धारिता C1 है और विभव क्या है V है तो C1 V होगा कि नहीं बताइए क्या होगा C1 V। और दूसरे चालक की अगर निकालेंगे तो दूसरे चालक की धारिता कितना है विभव आपका क्या है वी होगा दोनों का दोनों को विभव क्या है वी है वी इसका भी उभयनिष्ठ विभव वही तो हुआ। पुनर्वितरण का मतलब होगा जो आवेश आपने बंटवारा किया पुनर्वितरण का मतलब जो इसमें से आया और इसमें से इसमें आया वो चीज नहीं। थर्ड नंबर इसमें क्या होगा इसका अगला नंबर स्थानांतरित आवेश की अगर मात्रा निकालना है क्या चीज स्थानांतरित आवेश की मात्रा स्थानांतरित आवेश की मात्रा अगर निकालना है तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा आप कैसे निकालेंगे बताइए भाई। यहाँ पे Q2 ये है Q1 ये है ना और इसमें क्या करेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा का मतलब ये हुआ कि पहले चालक में ये था स्थानांतरण के पहले और स्थानांतरण के बाद आवेश क्या होगा ये वाला हो जाएगा यानी स्थानांतरण के पहले जो आवेश था कौन सा था ये था कि नहीं बाद में क्या हुआ ये हुआ तो यही हमें निकालना है। स्थानांतरित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू निकालेंगे अंतर तो हम क्या निकालेंगे पहले Q1 था बाद में क्या हुआ Q1 डैश हुआ चाहे इसमें से निकाल लो चाहे इसमें से निकाल लो चाहे जिसमें से निकालो बराबर आएगा ठीक है। तो डेल्टा क्यू अपन निकालोगे तो Q1 कितना है C1 V1 दिया है और Q डैश कितना है C1 V दिया है। अब बताइए डेल्टा क्यू बराबर C1 कॉमन है बचा क्या V1 माइनस वी C1 रहेगा V1 रहेगा V का मान क्या है उभयनिष्ठ विभव और उभयनिष्ठ विभव को मैंने अभी बताया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 यही किया था ना। अब मैं इसको सफा कर दे रहा हूँ ठीक है आगे ध्यान दो। अब इसका एलसीएम लिया जाए एलसीएम में क्या होगा इसके बटे अगर एक करेंगे तो ये पूरा यहां गुणा होगा तो क्या मिलेगा C1 तो मिलेगा या यहां गुणा हो क्या C1 V1
सी वन, और इसके साथ क्या होगा सी वन ओ प्लस सी टू वी वन आएगा कि नहीं। अब ये माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब बटे में यहाँ कुछ आएगा सी वन प्लस सी टू। अब बताइएगा सी वन तो रहेगा, इन दोनों से क्या कॉमन है, सी टू कॉमन है, तो सी टू आपने क्या लिया कॉमन, बचा क्या आगे ब्रैकेट में वी वन माइनस वी टू बटे क्या करेंगे सी वन प्लस सी टू, तो आपका स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या आ जाएगी ये, ठीक है। और जरा ध्यान देना यहां पे याद रखना, जो विभव अधिक होगा उसी से घटाएंगे, किससे घटाना होगा उसी से आप घटा सकते हैं, या ऐसे भी घटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी घटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आवेश आपका बड़ा होगा, यहां पे एक कंडीशन लिख लो, चूंकि वी वन इज ग्रेटर देन क्या है वी टू, और मैंने शुरू में माना था कि नहीं कि वी वन अधिक है और वी टू कम है, ठीक है। आज की क्लास यहीं से ब्रेक।